अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ डॉक्टर हिरा अलवी। आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। आज हम राइनोप्लास्टी के बारे में बात करेंगे, जिसको आम जबान में नोज़ जॉब कहा जाता है। सो इफ़ यू आर समबडी जो कि नोज़ जॉब कराना चाह रहे हैं या अपनी नोज़ की शेप से खुश नहीं है, तो दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली राइट फॉर यू। नोज़ जॉब या राइनोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपकी नोज़ की शेप को चेंज करता है। अगर आपकी नोज़ के अंदर कोई कॉस्मेटिक या फंक्शनल डिफॉर्मिटी है तो आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। कॉस्मेटिक का मतलब ये है कि आप अपनी नोज़ की शेप से खुश नहीं हैं, और फंक्शनल वो प्रॉब्लम होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या बहुत डिविएटेड है, या सांस लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या कभी कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, या किसी किस्म की चोट लगी थी जिसकी वजह से नाक के अंदर एक कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, तो उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप राइनोप्लास्टी कंसिडर कर रहे हैं तो आई वांट कि आप शीशे के सामने जाके खड़े हों और अपनी नोज़ को हर डायरेक्शन से देखें। एंड आई वांट कि आप 3 ऐसी चीज़ें अपनी नाक के अंदर पिक करें जो आपको बॉदर कर रही हैं, एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप ये 3 चीज़ें करेक्ट कराना चाहते हैं। फिर आप अपने प्लास्टिक सर्जन से उसके बारे में कंसल्ट करें। नोज़ जॉब 2 तरह की होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। ओपन राइनोप्लास्टी के अंदर इंसिजन का फ़र्क होता है। एक इंसिजन हम नॉस्ट्रल के अंदर देते हैं दोनों साइड्स पे, जो कि नज़र नहीं आता। उन दोनों इंसिजन्स को हम कनेक्ट कर देते हैं स्किन के बाहर से। ये जो हमारी नाक की टिप के नीचे ये जगह होती है, इसको हम कॉलोमेला बोलते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन आती है, इसको ओपन करके पूरी की पूरी स्किन को ऊपर उठा लिया जाता है, और नाक के अंदर जो भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उस प्रोसीजर के थ्रू करेक्ट कराई जाती हैं। क्लोज राइनोप्लास्टी सेकेंड फॉर्म होती है, जिसके अंदर के इंसिजन्स तो होते हैं लेकिन बाहर का कोई इंसिजन नहीं होता है। ये बेसिकली सर्जन की प्रेफरेंस होती है कि वो कौन सा प्रोसीजर करना चाहता है। जो सर्जन ओपन में कंफर्टेबल हैं वो ओपन करते हैं, जो क्लोज में कंफर्टेबल हैं वो क्लोज प्रोसीजर्स करते हैं। ये प्रोसीजर आमतौर पर मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है, लेकिन अगर छोटा काम है और ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं करना है तो लोकल एनेस्थीजिया या सुन करके भी ये ऑपरेशन किया जाता है। कौन कौन राइनोप्लास्टी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट होता है? नाक की हड्डी अगर चौड़ी है, या नाक की बेस चौड़ी है, नाक किसी एक या दूसरी तरफ डिविएट हुई हुई है, एक नॉस्ट्रल दूसरा नॉस्ट्रल से फ़र्क है, या हड्डी इतनी टेढ़ी है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, ये सारे फंक्शनल कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन किया जाता है। उसके अलावा नोज़ के ऊपर कोई हम्प है, टिप ज़्यादा नीचे है, ऊपर है, थोड़ी बहुत डिविएशन है, या जनरली आपको अपनी नाक की शेप पसंद नहीं है, तो उसके लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। राइनोप्लास्टी के अंदर कभी कभी नाक की हड्डी इतनी टेढ़ी या इतनी डिफॉर्म्ड होती है कि उस हड्डी को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो समटाइम्स पेशेंट के कान से ये जो कुड़कुड़ी हड्डी होती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जब वो ली जाती है, या चेस्ट से रिब की कार्टिलेज ली जाती है और उससे दोबारा से जो हड्डी है नाक की उसको रिप्लेस किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी डिफॉर्मिटी है, आपके अंदर ये प्रोसीजर भी एडिशनल हो सकता है। जब हम रिड्यूस करते हैं तो नोज़ थोड़ी सी ऊपर से यहाँ से फ्लैट हो जाती है, और जो बोन्स हैं दोनों साइड्स की उसमें एक गैप आ जाता है। उस गैप को बंद करने के लिए हमें ये यहाँ से बोन्स को समटाइम्स ब्रेक करके उनको सेंटर में लाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको सेंटर में नहीं लाएंगे तो नाक की शेप अच्छी नहीं बनेगी। तो उस नोज़ की बोन्स को ब्रेक करने की वजह से समटाइम्स स्वेलिंग होती है, एडिमा होता है, एंड ब्लैक आई हो सकती है। और ये चीज़ें हम पेशेंट्स को पहले से बताते हैं कि यू नीड टू बी रेडी फॉर दीज थिंग्स, बट ये सारे के सारे विद इन अ मंथ और 2 चले जाते हैं और कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। अदर देन दैट, अगर आप ओपन राइनोप्लास्टी कराते हैं तो क्योंकि यहाँ पे बोन्स ब्रेक की होती हैं, तो आप ग्लासेस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे फॉर सम टाइम, क्योंकि आपको हम ग्लासेस वेयर करने की परमिशन नहीं देते हैं। अगर यू आर somebody हु डज़ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, यानी कि कोई ऐसी स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसके अंदर नाक के साथ किसी चीज़ का कॉन्टैक्ट आ सकता है, तो प्रेफरेबली आपने उनको कुछ अरसे के लिए छोड़ देना है। हैवी एक्सरसाइजेज भी हम 1 महीने के लिए स्टॉप करा देते हैं कि वो आपने नहीं करनी है। हम आपको नाक के बल लेटने से भी मना करते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली। जब राइनोप्लास्टी की जाती है तो बाहर एक स्प्लिंट पहनना होता है। पहले दिन सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको स्प्लिंट लगा कर भेजते हैं, फिर हम आपका पहला फॉलोअप करते हैं विद इन 2 to 3 डेज। उस स्प्लिंट को उतार के हम एक और स्प्लिंट लगा देते हैं, जो आपको तकरीबन 1 हफ्ते के लिए यूज़ करना पड़ता है। इंटरनल बोनी वर्क ज़्यादा हो तो समटाइम्स हम नाक के अंदर वाली साइड पर नॉस्ट्रल्स के अंदर भी एक स्प्लिंट रखते हैं, बट ये सारा कुछ हम विद
विदिन वन वीक रिमूव कर देते हैं, और जो स्टिचेस लगाए जाते हैं वो भी हम विदिन 5 to 7 days आपको हम बुलाते हैं फॉलोअप के ऊपर, और जब हम स्प्लिंट उतारते हैं तो हम वो स्टिचेस भी रिमूव कर देते हैं। फिर हम आपको स्कार थेरेपी एडवाइस करते हैं कि जो एक छोटी सी लाइन आपकी नोज़ के नीचे आती है उसको मैक्सिमम इम्प्रूव किया जा सके और बहुत फाइन लाइन स्कार आए कि किसी को देखने पर नज़र ना आ सके। तकरीबन 6 months to 1 year लग जाते हैं जिसके अंदर राइनोप्लास्टी का फाइनल रिजल्ट आता है। सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद दैट, बट ये है कि विद इन अ मंथ जब स्वेलिंग सेटल होती है तो नाक की शेप काफ़ी हद तक मेंटेन हो चुकी होती है जो कि हमने बनाई होती है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि समटाइम्स पेशेंट्स आते हैं जो कि अपने साथ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स लेकर आते हैं कि हमें ऐसी नोज़ चाहिए है। सेलिब्रिटीज़ की फ़र्क नोज़ होती है, आपकी बिल्कुल फ़र्क है, आपकी नीड्स फ़र्क हैं, तो हर पेशेंट के अंदर सेम चीज़ नहीं हो सकती है। यू कम टू अस, हम आपकी नोज़ असेस करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और किस तरह की जाती है। एंड देन अनदर क्वेश्चन इज़ कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है। कॉस्ट ऐसे बताना इज नॉट पॉसिबल, हर पेशेंट की नीड्स फ़र्क हैं। वंस वी असेस द पेशेंट तो फिर हम उसके ऊपर फर्दर बताते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी और क्या क्या प्रोसीजर्स आपको रिक्वायर्ड हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, इट वॉज़ अ स्मॉल वीडियो। अगर आप किसी भी किस्म की राइनोप्लास्टी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं या मज़ीद डिटेल्स चाहते हैं तो देर इज़ अ नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, यू कैन कॉन्टैक्ट देयर। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।